नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अर्थ न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं रेशम घर कॉलोनी में। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि म्यूनसिपल इलेक्शन की जो तारीख है वो अनाउंस हो चुकी है, दो तीन दिन से अनाउंस हो चुकी है। तो आज हमारे साथ यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो बाबा जी के पास बैठते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दी अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सर। म्यूनसिपल इलेक्शन अनाउंस हो चुकी है, तो आप पार्टी के आधार पर वोट देंगे कि या कैंडिडेट को देख के? कैंडिडेट को देख के किस हिसाब से काम करते हैं? हाँ। तो बाबा जी, आप बोलिए कि जो इस वक्त म्यूनसिपल इलेक्शन कुछ ही दिन में होने वाली है, तो जो आप पार्टी के आधार पर वोट देंगे कि कैंडिडेट को देख के किस हिसाब से काम कर रहा है? देखिए भाई, असल में क्या है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन अनाउंस किए हैं गवर्नर ने, ये हरी में किए हैं। बिफोर होल्डिंग इलेक्शन द गवर्नर शुड हैव कॉल्ड द ऑल पार्टी मीटिंग बाई टेकिंग इन टू कॉन्फिडेंस ऑल द पार्टीज। दे आफ्टर ही शुड डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट। तो मैं समझता हूँ ये जल्दी में इसने अनाउंस किया है, इससे पहले कि वो ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कर लेते तो सभी पार्टियों का व्यू पॉइंट आ जाता। जिन पार्टियों ने बाईकाट किया है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP ने बाईकाट किया है, तो एक प्रॉपर वे से उनका व्यू पॉइंट आ जाता कि फिर क्यों बाईकाट कर रहे हैं। क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग ऐसे उनका करना अलग बात है, अगर ऑल पार्टी मीटिंग में बैठ के करते तो उससे पता लग जाता, या कन्विंस भी हो सकते थे भाई पार्टी भी करते। तो मैं ये समझता हूँ ये गवर्नर का एक हेस्टी स्टेप है। तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग खालने के बाद अगर अनाउंस करते तो वो अच्छा होता। तो यानी अब देखते हैं टाटा सी कि इलेक्शन होते भी है नहीं होती। वी आर स्टिल इन डाउट, वी आर नॉट। अभी लोगों को डाउट भी है कि इलेक्शन होगी भी कि नहीं होगी। इस वक्त बाबा जी हमारे साथ मुझे, सर म्यूनसिपल इलेक्शन है जो अनाउंस हो चुकी है, तो सर इसके बारे में हमें बताइए कि पार्टी के आधार पर वोट देंगे कि जो कैंडिडेट काम कर रहा है कि उसको देंगे? सर जो काम कर रहे हैं उनको देने हैं जी, उनको वोट देंगे। हाँ जी। तो सर क्या क्या रहता है म्यूनसिपल में, क्या क्या जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों पर काम करते हैं? ये नहीं मालूम मेरे को। तो देख सकते हैं कि और भी कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दी अर्थ न्यूज़ सर। सर म्यूनसिपल इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, उनके क्या क्या काम रहते हैं? साहब से बात करो साहब जी। सर हाँ जी। सर म्यूनसिपल इलेक्शन के क्या क्या काम रहते हैं सर? भाई म्यूनसिपल इलेक्शन का जो कैंडिडेट का काम तो ये है कि डेवलपमेंट का काम है उनका जी, गलियां नालियां जो है यही है इनका काम। कोई और छोटी मोटी वेलफेयर की स्कीमें हैं वो देखना है, और जहाँ जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं उनका देखना है। बहुत से काम होते हैं अगर किया जाए, नहीं करना तो कुछ भी नहीं है। स्कीमें ऐसी बहुत सी जो अपने बारे में बहुत से काम करा सकता है, बशर्ते कि उसकी नीयत ठीक हो, काम करने वाला आदमी हो। अगर नहीं करने वाला तो ऐसे ही है। तो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के आधार पर वोटिंग देते हैं और जो काम करने वाला है उसे वोट नहीं दिए जाते। देखिए बात यह है कि वो तो जज किया जाता है, जनता जज करती है कौन का काम करने वाला कौन नहीं। पार्टी के लोग भी काम करने वाले होते हैं, पार्टी जो टिकट देती है तो सोच समझ के टिकट देती है ना, किसी को भी कोई काम करने वाला होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट भी होगा, कोई अच्छा लड़का, तो उसको भी मिल जाते हैं। इसमें तो ये देखा जाता है आदमी को, जनता सब कुछ वाच करती है, तो वाच करने के बाद ही फैसला करती है। और कुछ और लोगों के पास ले चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे।